सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने प्रीव्यू में देखा, इस तरह का वीडियो किस तरह क्रिएट करते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है और यहाँ से दोस्तों आपको सर्च बार में आना है। देन यहाँ पर आपको टाइप करना है दोस्तों लियोनार्डो AI। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये फर्स्ट में आ चुका है, इस पर क्लिक करना है। देन दोस्तों फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे प्रॉम्प्ट टाइप करना है। तो दोस्तों मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी करके रखा है। तो दोस्तों प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, ये देख सकते हो यहाँ पे हमारी इमेजेस जनरेट हो रही हैं। तो सिंपल दोस्तों आपको थोड़ा वेट कर लेना है, हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी इमेजेस क्रिएट हो चुकी हैं। सिंपल दोस्तों आपको यहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल दोस्तों आपको इमेज पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको फर्स्ट में डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आपको वन बाय वन डाउनलोड कर लेनी है। देन यहाँ से आपको दोस्तों बैक आना है। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको क्रोम को ओपन करना है और यहाँ से दोस्तों सर्च बार में आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है क्रिया AI। तो दोस्तों सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस है। तो सिंपल दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसको लॉगिन करना होगा। तो दोस्तों मैंने लॉगिन करके रखा है, तो आप भी कर लेना। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको वीडियो जनरेशन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने ये पहले एक वीडियो बना के रखी है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पर सेटिंग वाला आकर नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आपको सबसे पहले तो एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मोशन इंटेंसिटी इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी फुल कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्लिप ड्यूरेशन, आपको वीडियो की ड्यूरेशन कितनी रखनी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन आप 10 सेकंड तक कर सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप 10 सेकंड, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों मैं कर लेता हूँ। तो दोस्तों सिंपल मैं यहाँ पे आपको तकरीबन 2 सेकंड की करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगा तो इसका ड्यूरेशन प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा लेगा। तो दोस्तों मैं 2 सेकंड की बना के आपको दिखा देता हूं। तो सिंपल दोस्तों आपको यहां पे क्लिक करना है प्लस पे। तो दोस्तों ये 2 सेकंड हो जाएगी। देन दोस्तों आपको यहां पे क्लिक करना है वीडियो पे। उसके बाद दोस्तों ये जो हमने बना के रखी है पहले, इसको सिलेक्ट करना है इमेज को और इसको यहाँ से डिलीट कर देना। इसको भी सिलेक्ट करना है, उसको भी यहाँ से डिलीट कर देना। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, उसको भी यहाँ से डिलीट कर देना। तो दोस्तों वन बाय वन इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको यहाँ पर फर्स्ट में क्लिक करना है और इस पर दोबारा क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, वन इमेज को। देख सकते हो यहाँ पे आ गई है इमेज, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट इमेज की जगह, फिर इसको भी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से दोस्तों ये दूसरी हो गई हमारी, ये यहाँ पर तीसरी कर लेनी है। तो बस इस पर क्लिक करना है, ये तीसरी हो गई। उसके बाद दोस्तों सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, 3 हो चुकी है हमारी। देन यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों लास्ट इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जितनी भी वीडियो में आ रही हैं सिंपल आपको उतनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों मैंने 4 सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद दोस्तों प्रॉम्प्ट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, वरना यहाँ से आपको दोस्तों 4 इफेक्ट मिलते हैं। दोस्तों जो भी आप बनाना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये लास्ट वाला कर रहा हूँ, ये लास्ट वाला। देन यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिल रहा है जनरेट वीडियो, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है, हमारी वीडियो जनरेट हो रही है। सिंपल दोस्तों आप देख सकते हो ये ब्लू लाइन आ रही है, सिंपल ये फुल हो जाएगी, ये हमारा वीडियो क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी वीडियो क्रिएट होने वाली है, थोड़ी देर वेट कर लेना है। दोस्तों अगर 10 सेकंड की बनाते तो ये बहुत बड़ी बन जाती वीडियो। देख सकते हो दोस्तों हमारी वीडियो क्रिएट हो चुकी है, आपको ऊपर नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस तरह आपकी वीडियो क्रिएट होके आ जाएगी। तो दोस्तों डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल दोस्तों आपको ये जहाँ से हमने जनरेटर वीडियो पे क्लिक किया था वहीं के उसी के नीचे आपको डाउनलोड वाला बटन नज़र आ रहा है, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये डाउनलोडिंग पे वीडियो हमारी आ रही है,
यहाँ पे क्लिक कर देना देन दोस्तों हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों वीडियो हमारी जनरेट हो गई है। सिंपल आपको इंस्टाग्राम में वहाँ से कोई भी सॉन्ग को सिलेक्ट करके वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक बाय।